जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र में जागरूकता जिला स्तरीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। राजस्थान सरकार की ओर से चलाए गए जागरूकता अभियान के तहत अभियान का आज दूसरे चरण शुरू हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के तहत अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा सूचना केंद्र में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से चलाए गए अभियान का आज से दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ये अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। वहीं आज अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां ये प्रदर्शनी 7 जुलाई तक लगाई जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कहा, अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों की जागरूक होना पड़ेगा और जो नियम है उसकी पालना करनी पड़ेगी। जो कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा था एक 21 जून से, उसका दूसरा चरण आज 1 जुलाई से 7 जुलाई तक शुरू है। और उसमें आज का दिन जो है ये फोटो एग्जीबिशन के लिए था। ये फोटो एग्जीबिशन 7 जुलाई तक रहेगा। और अभी तक अपने ज़िले में, राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ज़िला परिषद के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहाँ पे ADA के द्वारा, जो अन्य अन्य कार्य, मतलब अलग अलग तरीके से जो हम लोगों ने कोरोना में राहत पहुँचाने के लिए लोगों के जो कार्य किए हैं, उसकी पूरी एक झलक मिलती है इस एग्जीबिशन में। और बहुत अच्छा काम हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट में और पूरे राज्य में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का अब आज से अनलॉक 2 शुरू हो गया है, तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसमें सभी का योगदान और सभी को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अब जो जिस स्तर पे हम पहुंच चुके हैं, उसमें बाहर लोग जो आवश्यक है उनको आना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो भी आवश्यक काम से बाहर निकलते हैं, उनको मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और साबुन से हाथ धोना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और इसके प्रति जागरूकता जितनी आए उतनी अच्छी है, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़ने वाली है, इसलिए हमें इसके बारे में सचेत रहना पड़ेगा।